थाना प्रभारी और हवलदार से परेशान जनता की आवाज बनकर इन पुलिस वालों के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार क्षेत्र की जनता से जेल भेजने की धमकी देकर थाना प्रभारी बड़ी रकम की मांग करते हैं, पैसा वसूलते हैं। ये पुलिस वाले लालच के चलते अवैध कारोबार को भी बढ़ावा देते हैं। थाना प्रभारी कुलदीप राय और हवलदार रामकृष्ण यादव क्षेत्र के लोगों को परेशान करते हैं। लगातार उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायत भी की जा चुकी है, उसके बावजूद भी आज तक इन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते ये लोग लगातार मनमानी करते हैं। इस बात से नाराज युवा कांग्रेस द्वारा पुलिस के खिलाफ रैली निकाली गई और बांदे थाना के सामने युवा कांग्रेसियों द्वारा जमीन में बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को धरने से उठाने का प्रयास भी किया गया, मगर प्रदर्शनकारी धरने पर डटे रहे। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों ने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के अंदर अगर इन दोनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है या इन्हें नहीं हटाया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कमीशन खोरी कर जुआ खेलने वालों को संरक्षण भी दिया जा रहा है। थाने में कोई भी फरियादी फरियाद लेकर आता है तो बिना पैसे उसका काम नहीं किया जाता। थाना प्रभारी अपने आप को कभी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बताते हैं तो कभी एसपी साहब के रिश्तेदार बताते हैं। प्रदर्शन में थाना प्रभारी के नाम पर जमकर नारेबाजी हुई है। देखिए, जब से कुलदीप राय यहाँ पर थाना प्रभारी बन के आए हैं और एक मुंशी यादव नाम का काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जमे हुए थे, ये दोनों मिलके क्षेत्र के जनता को परेशान करके रखा है। यहाँ पर लगातार ये अवैध वसूली का खेल खेल रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती पकड़ा के गलत धारा लगा के मुकदमा ठोक देना, अगर पैसा नहीं दिया तो, इस तरीके का लंबे समय से चल रहा है। साथ ही साथ क्षेत्र में जो है इनके आने के बाद जो जुआरी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ गया है, उनका मंथली वहां पर बंधा हुआ है, हर महीना इनको पैसा पहुंचाता है और जुआ और सट्टा का काम यहां पर चालू हो गया है। क्षेत्र की जनता अगर कोई समस्या लेके थाने में पहुँचती है तो बिना पैसे का उनका काम नहीं होता है। और साथ ही साथ बांदे थाना प्रभारी जो अभी वर्तमान में है कुलदीप राय, अपने आप को पहले तो सीएम का रिश्तेदार बताते फिरते थे, जब उनको विधायक द्वारा बताया गया है तब ये अभी नया रिश्तेदार इनका एसपी साहब को बताने लगे हैं। एसपी साहब इनका रिश्तेदार है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से क्षेत्र के जनता को जो है पूरी तरीके से परेशान करके रखा है, अवैध वसूली का खेल भी चल रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों एवं शहर निवासियों द्वारा ग्रामीण थाना प्रभारी एवं कुछ पुलिस स्टाफ के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत के संबंध में आए हुए थे, जिस पर कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसे कि मेरे द्वारा ज्ञापन लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आवेदन दायर किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।